सब्सक्राइब करें बी न्यूज को और बेल आइकन दबाएं। यूपी बोर्ड परीक्षा में इस बार विशेष निगरानी हो रही है। अधिकांश कुख्यात परीक्षा केंद्रों पर नकल नहीं हो पा रही है। ऐसे में इलाहाबाद व बलिया के नकल माफियाओं ने प्रशासन को चुनौती देते हुए व्यवस्था में सेंधमारी का प्रयास किया तो दोनों जगहों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। मंगलवार को हाई स्कूल में गणित का प्रश्न पत्र था। डीआईओएस की सचल दल टीम परीक्षा केंद्रों की निगरानी में जुटी थी। इलाहाबाद के धूमनागंज क्षेत्र के श्री कंघई कन्हई सिंह सिगर और इंटर कॉलेज खट्टांगी गांजा पहुंचे। उनकी नजर छिपाकर रखे गए फोटोकॉपी मशीन पर पड़ी। जब उन्होंने मशीन के बारे में पूछा तो हड़बड़ा गए। डीआईओएस ने फोटोकॉपी मशीन को निकलवाकर जांच शुरू कराई तो उसमें गणित का पेपर मिला, जिस पर उन्होंने कौशाम्बी के पिपरी थाने को सूचना दी। पुलिस की मौजूदगी में फोटोकॉपी मशीन को सील कराया गया। एसटीएफ ने 11 को किया गिरफ्तार। बलिया में मंगलवार को एसटीएफ गोरखपुर की टीम ने बालेश्वर इंटर कॉलेज शाह मोहम्मदपुर के प्रबंधक के घर पर छापेमारी कर लिखी जा रही कॉपियां बरामद की। 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि प्रबंधक सत्यनारायण यादव भाग निकला। वहीं पुलिस प्रशासन ने धर्मदेव आदर्श इंटर कॉलेज और आपर पर छापेमारी कर कॉपी लिखते समय 5 लोगों को दर्द दबोचा। यहां पर राजा राम सिंह माध्यमिक विद्यालय सिसवार कला की कॉपियां लिखी जा रही थीं। इन दोनों स्थानों से पुलिस टीम ने 7 बाइक पर 4 साइकिल भी बरामद की। डीएम सुरेंद्र विक्रम व एसपी अनिल कुमार मौके पर पहुंचे। घर पर लिखी जा रही कॉपियां एसटीएफ गोरखपुर के इंस्पेक्टर पुनीत परिहार को सूचना मिली कि परीक्षा केंद्र बालेश्वर इंटर कॉलेज शाह मोहम्मदपुर के बगल में स्थित प्रबंधक के घर पर कॉपियां लिखी जा रही हैं। एसटीएफ की टीम ने प्रबंधक के घर छापेमारी की। वहां परीक्षा की कॉपी लिख रहे रसड़ा क्षेत्र के सराय भारती निवासी जितेंद्र यादव, शैलेंद्र कुमार यादव व सत्येंद्र यादव के अलावा शाह मोहम्मदपुर निवासी देवानंद भारती व जगदीश यादव के साथ ही केंद्र व्यवस्थापक रामजीत यादव को पकड़ा। इनके अन्य साथी भाग निकले। वहीं सीओ अवधेश चौधरी व प्रभारी निरीक्षक जगदीश यादव को सूचना मिली कि स्वधर्मदेव आदर्श इंटर कॉलेज और आंचवर में राजा राम माध्यमिक विद्यालय सिसवार कला की कॉपियां लिखी जा रही हैं। पुलिस टीम ने छापेमारी कर विद्यालय के प्रबंधक अनिल यादव निवासी रौर आंचवर, विकास पांडेय निवासी चिंतामनपुर, अभय चौधरी निवासी पुझिया थाना कोपा जिला छपरा बिहार, गोपाल जी यादव निवासी हरिहरपुर व मंटू यादव निवासी असनवार को गिरफ्तार कर लिया। 70 परीक्षार्थी नकल करते मिले। यूपी बोर्ड परीक्षा में इम्तिहान छोड़ने का सिलसिला अब भी जारी है। 7वें दिन भी 1252 परीक्षार्थियों ने इम्तिहान से किनारा कर लिया है, जबकि प्रदेश भर में 70 परीक्षार्थी नकल करते पकड़े गए हैं। वहीं 2 पर FIR दर्ज कराई गई है। इसी तरह सहारनपुर में केंद्र व्यवस्थापक व कक्ष निरीक्षक पर भी रिपोर्ट दर्ज हुई है। बोर्ड परीक्षा में मंगलवार को हाई स्कूल में गणित का प्रश्न पत्र था। इसमें प्रदेश भर में 45 बालक व 6 बालिकाओं सहित 51 और इंटर में 14 बालक व 5 बालिकाओं सहित 19 कुल 70 नकल करते पकड़े गए हैं। ऐसे में अब तक हाई स्कूल में 241 बालक, 95 बालिका और इंटर में 113 बालक, 56 बालिकाओं सहित 505 परीक्षार्थी पकड़े जा चुके हैं। पिछले वर्ष 7 दिनों की परीक्षा में 873 परीक्षार्थी पकड़े गए थे। बोर्ड के कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार देवरिया व बाराबंकी में एक एक परीक्षार्थी व सहारनपुर में एक कक्ष निरीक्षक व केंद्र व्यवस्थापक के विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई है। अब तक 17 के विरुद्ध थाने में रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। इसी तरह से हाई स्कूल परीक्षा में 1076 व इंटर में 176 और परीक्षार्थियों ने इम्तिहान छोड़ा है। अब तक हाई स्कूल में 627498 व इंटर में 428746 सहित कुल 1056244 परीक्षार्थी किनारा कर चुके हैं। यह संख्या अभी और बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि केंद्रों पर नकल पर निगरानी सख्ती से की जा रही है।